एसबीएस न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार 12 अक्टूबर से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। देवरिया में कांग्रेस की महिला नेता से मारपीट के मामले में 2 निलंबित। उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील, कहा कोविड-19 से जंग जीतने के लिए सभी की प्रतिबद्धता जरूरी। यदि सत्ता विपक्ष को अपमानित करेगी तो लोकतंत्र का सम्मान कैसे बचेगा, अखिलेश यादव। शोपिया मुठभेड़ में 3 व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जरूरत, जांच के निर्देश। भाजपा अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से जताया नीतीश पर विश्वास, कहा बिहार का नेतृत्व उनके हाथ में सुरक्षित। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा बिचौलिए के जरिए राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं कृषि सुधारों का विरोध। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा बिहार के लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, पुलिस पर उठाए सवाल। मायावती ने साधा भाजपा कांग्रेस पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अपराध चरम सीमा पर। बंगाल में हालिया घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी, बाबुल सुप्रियो। देश में कोरोना की मार 70 लाख के पार, अब तक 1,08,000 की मौत, 60 लाख से ज्यादा की रिकवरी। पासवान ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर की लाइन पर ही चलते थे। मोदी सरकार के आने के बाद भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में हुई जोरदार क्रांति। अनलॉक 5 के 10वें दिन तेजी से सुधरे हालात, कोरोना के कुल सक्रिय मामले 9 लाख से हुए कम। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। कोरोना के बाद जॉब के खिलाफ बढ़ाए ओसीडी के मरीज, परेशान हो रहे युवा। बच्चों ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। बूथों को चिन्हित कर चुनाव पाठशाला का करें आयोजन, एसडीएम। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने 70 मेधावियों को किया सम्मानित। चंडीगढ़ में एक मरीज की मौत, 85 नए केस सामने आए। इसी हाल में भी रैयत कोयला खनन को नहीं देंगे जमीन। उत्तराखंड में कोरोना से 13 संक्रमित मरीजों की मौत, 526 मामले आए नए, दून में सबसे ज्यादा 181। कोई भी भगवान या धर्म ये नहीं कहता कि आप जिंदगी को खतरे में डालकर त्योहार मनाएं, हर्षवर्धन। संभल के असमोली में मीट की दुकानें खुलने से लोगों का बड़ा आक्रोश।